मुझे आज बताते हुए खुशी है कि ग्रीनफील्ड 10 एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्रीनफील्ड का मतलब जहां पहले रास्ता था ही नहीं, खेत से हम नए रास्ते हाईवे बना रहे हैं। और इस हाईवे पर हम करीब उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए इस हाईवे पर खर्चा कर रहे हैं, इस बात का मुझे बहुत अभिमान है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हम उत्तर प्रदेश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के रोड कुछ पूरे होंगे, कुछ शुरू होंगे और कुछ का कार्य शुरू रहेगा। उत्तर प्रदेश में हम 2 लाख करोड़ के ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, गोरखपुर सिलगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसके साथ साथ विशेष रूप से वाराणसी हावड़ा कलकत्ता ग्रीनफील्ड एवरेज 22 हजार करोड़ का, इसके साथ साथ वाराणसी औरंगाबाद चोरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5 हजार करोड़ का, इसके साथ साथ गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसके साथ कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिसका काम शुरू हो गया है, फिर दिल्ली डेहराडून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। हमने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत अच्छे अच्छे हाईवे दिए हैं और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। पिछली बार मैं जब यहां आया था तब मैंने आपको यह विश्वास दिया था कि 2024 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर होंगे। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि 2024 के समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग की सड़कें अमेरिका के बराबर होगी। अभी कुछ सज्जन अमेरिका से आए थे, उन्होंने मेरा यह स्टेटमेंट सुनकर कहा कि हम आपसे सहमत नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद उनको लग रहा है कि हम ये नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जयपुर हाईवे पे जाके आए, अनेक रोड पर दिल्ली से डेहराडून जाकर आए। हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि अमेरिका क्या कहीं बराबर नहीं, तो अमेरिका से अच्छे रास्ते हिंदुस्तान में बने हैं, ये बात उन्होंने कही। 2024 से 2025 में करीब 1 लाख करोड़ की लागत से 3000 किलोमीटर के कार्य पूरे होंगे और 2024-25 में करीब 1 लाख करोड़ में 3500 किलोमीटर का डीपीआर भी बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में करीब 60 हजार करोड़ की लागत से 40 बाईपास और रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 5250 करोड़ की लागत से हम 16 रोपवे निर्माण कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल देगा। मुझे बहुत खुशी है कि मिर्जापुर में से अयोध्या कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। मिर्जापुर में 1750 करोड़ रुपए की लागत से हमने 2 परियोजना का भूमि पूजन जो आज हुआ है उसकी मुझे बहुत खुशी है और ये अनुप्रिया जी के जो मांग की थी वो काम आज उनका पूरा हुआ है। मैं उनको विशेष रूप से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मिर्जापुर से अयोध्या ये जो रोड है ये आप केवल मिर्जापुर से अयोध्या 3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। जौनपुर से अकबरपुर तक 5000 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का मार्च 2024 में इसी महीने में अवार्ड हो जाएगा, ये भी घोषणा मैं आपके सामने करता हूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों तथा देश के अन्य हिस्सों को जोड़ने के लिए हम 70 हजार करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का अभिवादन करने के लिए। जिस तरह अयोध्या से चित्रकूट और जनकपुर को जोड़ा जा रहा है उसी तरह राजा श्रीराम की नगरी ओरछा मध्य प्रदेश को भी हम अयोध्या से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 6500 करोड़ रुपए खर्चा करके
236 किलोमीटर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग विकसित किया जा रहा है। 170 किलोमीटर मार्ग का निर्माण जून 2024 में शुरू हो जाएगा। इस परिक्रमा मार्ग को 2026 तक हम पूरा करेंगे। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं एवं संतों के लिए सड़क के दोनों तरफ 5.5 मीटर चौड़ा पैदल पथ बनाया जा रहा है। पैदल यात्रियों के ठहराव के लिए 23 स्थानों पर वे साइड अम्यूनिटीज भी बना रहे हैं, जहां ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी होगी और शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन भी मिलेगा। अयोध्या में 5,000 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। ये काम मार्च में अवार्ड हो जाएगा। इसी महीने में इस रिंग रोड को ऐसी तरह डिजाइन किया गया है कि आने वाले 50 साल में ट्रैफिक जाम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे विश्वास है राम वनगमन मार्ग अयोध्या से चित्रकूट तक 5,000 करोड़ की लागत से 260 किलोमीटर का राम वनगमन मार्ग बन रहा है। दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। राम जानकी मार्ग अयोध्या से जनकपुर 2,000 करोड़ की लागत से 436 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर ये मार्ग दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। ओरछा से अयोध्या ये 11,300 करोड़ की लागत से कानपुर सागर भोपाल कॉरिडोर बन रहा है और दूसरी ओरछा से अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। देश में करीब 1.5 लाख करोड़ की लागत से हम 260 रोपवे का निर्माण कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में 16 रोपवे है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपके यहां भी एक रोपवे का प्रपोजल आया है, निश्चित रूप से उसको भी हम पूरा करेंगे। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से हमारी इस सरकार में मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और मेरा विश्वास है कि इस देश का किसान इस देश के पेट्रोल और डीजल का पर्याय दे सकता है। हमारे देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं है, तो हमारे देश का किसान ऊर्जा दाता है। इथेनॉल पर अब गाड़ियां आ गई है, 100% इथेनॉल पर टोयोटो की इनोवा गाड़ी मेरे पास है। 400 इथेनॉल के पंप खुल रहे हैं। इथेनॉल उत्तर प्रदेश में तैयार होगा, हमारी स्कूटर मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा बस और कार अब इथेनॉल पर चलेगी। जो इनोवा गाड़ी है उसका अगर पेट्रोल के हिसाब से अगर उसकी तुलना करें तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आ जाता है।